दिस एसक्यूएल क्वेश्चन हैज अ टेबल नेम मूवी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहा गया है कि हर्ष के पास मूवी इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडियन मूवीज एंड वो मूवी टेबल के अंदर स्टोर्ड है। कॉलम्स है हमारे पास मूवी आईडी, नेम, रेटिंग, प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड डेट ऑफ रिलीज, एंड वी हैव सम रोज, और आपको कुछ क्वेरीज लिखनी है। पहले मुझे ये बताओ बिफोर वी राइट डाउन द क्वेरीज कि इसकी डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी टेबल की। ये जो मूवी टेबल है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल? मैम डिग्री इसकी रोज होंगी, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। सो हाउ मेनी ओके कॉलम्स वी हैव? सिक्स। मूवी आईडी, नेम, सिक्स। रेटिंग, प्रोडक्शन, कलेक्शन, डेट ऑफ रिलीज, तो 6 कॉलम्स हैं, तो डिग्री होगी 6। और आपके पास 5 रोज हैं, हेडिंग वाली रो को हम काउंट नहीं करते हैं। 5 मूवीज की डिटेल है तो 5 इसकी कार्डिनालिटी है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले मूवी नेम एंड प्रोडक्शन बोथ इन अपर केस। तो आपको मूवी का नाम शो करना है और प्रोडक्शन शो करना है, दोनों को कैपिटल लेटर्स में दिखाना है। कौन सा फंक्शन होता है एसक्यूएल में जो आपके कंटेंट को कैपिटल लेटर्स में दिखा सकता अपर है? अपर। वी हैव 2 ऑप्शंस, हम अपर भी यूज कर सकते हैं या फिर यू केस भी यूज कर सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी यूज करो, एक ही बात है। सो सिलेक्ट अपर नेम कॉमा अपर ब्रैकेट में प्रोडक्शन। सो अपर नेम कॉमा अपर प्रोडक्शन फ्रॉम मूवी। सो दैट इज इट, ये आपकी क्वेरी हो गई, ठीक है। सो आप यहाँ पे यू केस नेम, यू केस प्रोडक्शन लिखते तो भी सही होता, अपर लिखोगे तो भी सही होगा, दोनों से कैपिटल लेटर्स में शो हो जाएगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ मूवीज रिलीज्ड इन द ईयर 1989। आई एम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी सिलेक्ट स्टार वेयर फ्रॉम मूवी वेयर वेयर ईयर ब्रैकेट में डीओ परचेस इज इक्वल टू 1889 सो ब्रैकेट में डेट ऑफ रिलीज इज इक्वल टू 1989। सो सारा डेटा देखना है इसलिए स्टार आएगा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर ईयर डेट ऑफ रिलीज इज इक्वल टू 1989। राइट अ क्वेरी टू काउंट प्रोडक्शन वाइज टोटल नंबर ऑफ मूवीज। मैम। प्रोडक्शन वाइज टोटल इसमें नंबर ऑफ सिलेक्ट मूवीज। प्रोडक्शन कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम मूवी ग्रुप बाय प्रोडक्शन। वेरी गुड। सो आपको प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ मूवीज, इसलिए आ जाएगा काउंट स्टार। सो सिलेक्ट प्रोडक्शन कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम मूवी ग्रुप बाय, कंडीशन कोई है नहीं तो वेयर नहीं आएगा, सो इट विल बी ग्रुप बाय प्रोडक्शन। तो इसमें वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली आपके ग्रुप्स बना लेगा। तो हमारे पास है राजश्री, धर्मा, यशराज एंड रेड चिलीज। तो इसमें 4 ग्रुप्स बनेंगे, राजश्री, धर्मा, यशराज एंड रेड चिलीज। लेकिन राजश्री का काउंट 1 आएगा, धर्मा का काउंट भी 1 आएगा, यशराज का काउंट 2 है और रेड चिलीज का काउंट 1 है। सो दैट विल बी डिस्प्लेड। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मूवी मतलब उन्हीं प्रोडक्शंस को दिखाना है और नंबर ऑफ मूवीज को दिखाना है जिनमें कम से कम एक से ज्यादा मूवी हो, तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी और कहाँ लगेगी? आई हैव टू मैम शो एक और ओनली बार दोस्त, मुझे सिर्फ उन्हीं प्रोडक्शन कंपनीज का काउंट दिखाना है जिनकी कम से कम एक से ज्यादा मूवी प्रोड्यूस हुई हो। ओके मैम फिर इसका होगा सिलेक्ट प्रोडक्शन कॉमा नहीं, सिलेक्ट अच्छा हाँ सिलेक्ट प्रोडक्शन कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन जो भी वन आपने वेयर लिबर्टी के साथ आएगा कि हैविंग के साथ आएगा? मैम वेयर के संग आया क्योंकि ग्रुप बाय यूज नहीं हुआ इसमें। क्यों नहीं यूज हुआ? आपका काउंट स्टार कैसे कैलकुलेट होगा? जब ग्रुप बाय करोगे तभी तो होगा ना। ओके तो आपको पहले प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाने हैं, फिर जो ग्रुप्स का काउंट होगा उस काउंट को मुझे देखना है कि वो 1 से ज्यादा है या नहीं।
तो जब भी आपके कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल होगा तो वो आपकी हैविंग के साथ आएगी, वो वेयर के साथ नहीं आ सकती। सो हम ग्रुप्स तो अभी भी बना रहे हैं, लेकिन हम शो सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को कर रहे हैं जिनका काउंट वन से ज्यादा होगा। तो अगर काउंट वन से ज्यादा नहीं है तो शो नहीं करेगा। शो सिर्फ तभी करना है जब काउंट वन से ज्यादा हो, तो उस केस में आपकी कंडीशन आएगी हैविंग के साथ। तो अगर आपके पास सम, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, इसमें से किसी के ऊपर भी कंडीशन बेस्ड है, तो वो कंडीशन हमेशा हैविंग के साथ आती है। अगर इन पांचों में से कुछ भी यूज नहीं हो रहा है कंडीशन में, तो आप उसे वेयर के साथ लगा सकते। ठीक है, क्लियर ओके मैम, है? तो इस केस में इसका आंसर सिर्फ आएगा यशराज टू, क्योंकि यशराज इज द ओनली ग्रुप जिसका काउंट एक से ज्यादा है। सो इसके आंसर में यशराज और काउंट जो है वो टू आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी अप्लाई हैविंग। सो वेर एवर यू नीड टू चेक कंडीशन बेस्ड ऑन द ग्रुप या ग्रुप फंक्शन उसमें यूज हो रहा हो, तो आप उसे वेयर के साथ नहीं दे सकते, आप उसे हैविंग के साथ। ठीक है, सो दिस इज अनदर सेट ऑफ क्वेरीज। आई होप ये क्लियर है आपको अच्छे से।